हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी डी मोरगेट थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन। बच्चों आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को बेटा हम एलएचएस कंप्लीट सॉल्व करके आरएचएस लाएंगे। देखिए किस तरह से। सबसे पहले एलएचएस की बात कर लेते हैं। एलएचएस है बेटा 1 + sin x + i cos x और अपॉन में 1 + sin x माइनस आई कॉस एक्स और होल पावर बच्चों एन है। अब बेटा ध्यान देना, ऊपर और नीचे सेम लिखा हुआ, अंतर क्या है? अंतर बच्चों सिर्फ इस प्लस और माइनस साइन का है। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ ऊपर वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, नीचे वाला पार्ट बेटा डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। ऊपर वाला पार्ट देखिए क्या है, 1 + sin x + i cos x। ठीक है, अभी मैं पावर की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ऊपर वाले पार्ट की बात कर रही हूँ। ये 1 + बेटा इस sin x को आप लिख सकते हो cos π/2 - x, ये फॉर्मूला है। तो बच्चों इससे लिख लेते हैं cos π/2 - x प्लस i cos x को आप लिख सकते हो sin π/2 - x। ठीक है, लिख लेते हैं sin π/2 - x। ठीक है, ये 1, ये प्लस। बेटा यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। ये फॉर्मूला क्या कहता है, ये फॉर्मूला ये कहता है कि यहाँ जो एंगल है बेटा, यहाँ पे जाके क्या हो गया, हाफ हो गया। हाफ एंगल फॉर्मूला कहते हैं इसको, cos θ = 2 cos²θ/2 - 1। ठीक है, तो क्या हुआ बेटा, यहाँ जो एंगल है यहाँ पे जाके क्या हो गया, हाफ हो गया। तो बेटा यदि आप इसको थीटा पढ़ते हो, ठीक है, तो इस फॉर्मूले को जब लगाओगे तो यहाँ वो क्या होगा, आधा हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को लगा लेते हैं, 2 cos² बेटा इसका हाफ करना है, तो देखिए किस तरह से करेंगे, π/2 - x इसका हाफ करना है, मतलब 1/2 करना है। ठीक है, अब हाफ करोगे तो ये अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, π/4 और इसका इसमें मल्टीप्लाई x/2 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये cos² ये रहा और एंगल हाफ कर दिया तो आधा कर दिया तो ऐसा हो गया। ठीक है, और ये बच्चों फॉर्मूले का -1, ये आई। अब बेटा यहाँ भी फॉर्मूला लग सकता है, देखिए साइन थीटा होता है 2 sin θ / 2 cos θ / 2। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है यहाँ जो एंगल होता है यहाँ जाके हाफ हो जाता है, हाफ एंगल फॉर्मूला कहते हैं इसको। देखिए यदि आप यहाँ फॉर्मूला लगाते हो, इसको आप थीटा पढ़ते हो, तो फॉर्मूला कहता है 2 sin एंगल का आधा करना है, मतलब बेटा इसका आधा, इसको थीटा पढ़ लो, तो इसका आधा भी करा था, ये देखिए ये था, लिख लेते हैं π/4 - x/2। फिर फॉर्मूला कहता है cos, फिर एंगल आधा कर लो, इसका आधा है ये रहा, इसको लिख लेते हैं π/4 - x/2। ठीक है, अब ध्यान देना, ये प्लस का 1 - 1 कैंसिल। अब बच्चों कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से और यहाँ से, ध्यान देना ये और ये कॉमन हो जाएगा, मतलब आपको 2 भी कॉमन मिल रहा है, साथ में बेटा cos π/4 - x/2 भी कॉमन, दोनों जगह से मिलेगा। तो निकाल देते हैं 2 cos π/4 - x/2। ठीक है, और ये कॉमन निकल गया बच्चों, तो यहाँ देखिए 2 कॉमन, 1 cos π/4 - x/2 कॉमन, 1 तो बचा, इसे लिख लेते हैं cos π/4 - x/2, ये प्लस आई। देखो बेटा ये 2 और ये वाला हिस्सा कॉमन, ये रहा, तो ये बच गया sin π/4 - x/2। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, हम प्लस साइन था इसको लेके चले थे, ये देखिए प्लस साइन लेके चले थे। ठीक है, तो आपने जो सॉल्यूशन बनाया उसमें भी कौन सा साइन आया, प्लस साइन। अब बेटा हम नीचे वाले हिस्से की बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ माइनस साइन है, तो बेटा यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, सिर्फ माइनस साइन, तो इसको भी लिख लेते हैं, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 1 + sin x - i cos x। ठीक है, सिमिलर डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, क्या आएगा सॉल्यूशन, ये तो आना ही है, लिख लेते हैं इसको 2 cos π/4 - x/2। ठीक है, ये हो गया, और बेटा यहाँ पे माइनस साइन है,
इसलिए बेटा अब सॉल्यूशन में इसका जो बनकर आएगा वो क्या आएगा, माइनस साइन के साथ आएगा, इस तरह से cos माइनस एक्स बाय टू माइनस आई साइन पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू। अब बच्चे इसमें हम वैल्यू डालेंगे, देखिए 1 प्लस साइन एक्स प्लस आई कॉस एक्स की वैल्यू बेटा आपने ये निकाली थी, इसको लिख लेते हैं 2 कॉस पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू, इसको लिख लेते हैं कॉस पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू प्लस आई साइन पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू। नीचे वाले की वैल्यू डालेंगे तो यहाँ माइनस साइन था तो बेटा सिर्फ यहाँ माइनस साइन आएगा, बाकी सारी वैल्यू इसी तरह से आएगी पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू कॉस के साथ। ये देखिए कॉस पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू, यहाँ प्लस की जगह अब माइनस आ गया, ठीक है। अब आप ध्यान देना होल पावर बच्चों एन है बेटा, ये सेम है कट गए, टू से टू भी कैंसिल, ठीक है। अब बच्चों हम दोनों पे एन पावर अलग अलग करेंगे, देखिए किस तरह से। cos पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू प्लस आई साइन पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू, ये होल पावर है, ठीक है। इसकी पावर मैंने अलग कर दी, अब इसकी अलग कर देते हैं। cos पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू माइनस आई साइन पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू, और ये एन पावर, ठीक है। अब बच्चों मैं इसे ऊपर ले जाना चाहती हूँ, तो पॉजिटिव पावर होती है बेटा वो ऊपर जाके क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा, ऊपर वाला ये लिख लेते हैं कॉस पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू माइनस प्लस आई साइन पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू होल पावर, ये पावर बेटा पॉजिटिव है इसकी, ऊपर ले गए तो नेगेटिव हो गई, तो इस तरह से हो जाएगा cos pi by 4 minus x by 2 minus i sin pi by 4 minus x by 2, ये पावर होगी नेगेटिव। बच्चों इसे लिख लेते हैं cos pi by 4 minus x by 2 plus i sin pi by 4 minus x by 2, ठीक है, और ये n पावर। अब बच्चों ध्यान देना यहाँ जो माइनस साइन है मतलब माइनस वन है, ठीक है। इसको बेटा आप इस पावर के साथ कर सकते हो, ठीक है, ऐसा किया जा सकता है। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा बेटा प्लस, तो ये ऐसा हो जाएगा कॉस पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू प्लस आई साइन पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू, ठीक है। ये देखिए मैंने आपसे कहा ये जो माइनस साइन है मतलब माइनस वन है, आप इसे इस पावर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब इस तरह से हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस पावर हो गई है। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा बेटा प्लस का साइन, और ये हो गई पावर अब आपकी एन। अब बेटा देखिए ये दो बार आ रहा है, मतलब आप उसको स्क्वायर लिख सकते हो इस तरह से कॉस पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू प्लस आई साइन पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू, दो बार आ रहे हैं, पावर तो एन है लेकिन स्क्वायर हो गया, ठीक है, टू पावर लग गई मतलब स्क्वायर कर दिया। अब बच्चों यहाँ पे डी मोरगन थ्योरम यूज हो सकती है, इस पावर को आप बेटा एंगल के साथ लिख सकते हो। थ्योरम क्या है उसकी बात कर लेते हैं, देखिए कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर है। थ्योरम कहती है ये जो पावर होती है बेटा एंगल के साथ हो जाती है, मतलब ऐसा कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, इस तरह से हो जाती है। ये डी मोरगन थ्योरम है, इसका हम यूज कर रहे हैं। ये जो पावर है बेटा एंगल के साथ कथित होंगे, तो ये ऐसा हो जाएगा कॉस इस एंगल के साथ करेंगे टू एन, ये पाई और ये फोर, यहाँ करेंगे तो टू एन और ये एक्स बाय टू,
आई साइन, यहाँ भी एंगल के साथ लिख लेते हैं, टू एन पाई बाय फोर, और यहाँ भी लिख लेते हैं टू एन, ये एक्स बाय टू। ठीक है, ये डी मोरगन थ्योरम का यूज हो गया। अब इसे सिंपलेस्ट बना लेते हैं, कैंसिल कर लेते हैं। अब बेटा ये हो गया कॉस एन पाई बाय टू माइनस एन एक्स प्लस आई साइन एन पाई बाय टू एन एक्स। तो एन कॉमन भी निकाल सकते हैं, यहां से आप एन कॉमन निकाल लें एंगल में से, तो इस तरह से हो जाएगा कॉस, ये एन बाहर हो गया, तो यहाँ बचा पाई बाय टू माइनस एक्स प्लस आई साइन, यहाँ भी एन बाहर हो गया, तो ये बचा पाई बाय टू माइनस एक्स। इस तरह से बच्चों हमने ये प्रूफ कर दिया। बच्चों डी मोरगन थ्योरम की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर मिलते हैं, तब तक